हाँ तो वेलकम बैक गाइज एक और नए व्लॉग में। और भाई आजकल मैं सुबह सुबह ही व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि पूरा दिन तो यार कुछ करने को होता ही नहीं है। और मैं तुमको पहले वाले व्लॉग में ही बता चुका हूँ कि मैं बाहर जाना अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कोविड दोबारा बढ़ रहा है और अभी और भी एक दो बीमारियाँ आजकल कुछ ज़्यादा ही फैल रही हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं जाने से पहले बीमार हो जाऊँ और शिप पे जाने के बाद मेरी वजह से और लोग बीमार हो जाएं, तो ये सोचते हुए मैं अवॉइड कर रहा हूँ कहीं भी जाना। बाकी रही जो तुम लोग थंबनेल और टाइटल देख के आए उसके बारे में भी बात करेंगे, वो क्या सीन है तो वो बताऊंगा तुमको, वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले ये है कि कल मैंने बात कर ली थी पोको के स्टोर पे, तो वहाँ पे मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे बात है तो मेरे को अपने फ़ोन के कैमराज निकलवाने हैं तो क्या प्रोसीजर है, तो उन्होंने अपना प्रोसीजर जो भी है तो बता दिया है। तो भाई किसी कोई और भी भाई ऐसे जॉब करता है जहाँ पे फ़ोन कैमरा की रिस्ट्रिक्शंस है तो आपको ज़रूरी नहीं कि दूसरा फ़ोन ही लो, आप जो अपना फ़ोन है वो ऑथराइज सर्विस सेंटर पे लेके जाओ, वहाँ पे आप उनसे बात करो। या मैं तो बोलता हूँ पहले आप उनसे बात कर लो एक बार कॉल करके, क्योंकि उन्होंने मेरे को दो चार डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे को लेके जाने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो मेरा कैमरा निकाल के देंगे। और अगर गारंटी पीरियड में रहा तो बोल रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, नहीं तो कुछ पैसे लगते हैं और वो आपको निकाल के दे देंगे। तो मेरा फ़ोन तो शायद गारंटी पीरियड में है, लेकिन मेरा जो बिल है वो मेरे को याद नहीं मैं कहाँ रख रखा है, तो देखता हूँ एक बार चेकआउट करूँगा, घर पे बोलूँगा काजल को कि एक बार फ़ोन का बिल चेक करे, अगर है तो मेरे को फ़ोटो भेज दे। तो उससे क्या रहेगा, जो सर्विस चार्ज तो ज़्यादा नहीं बताया, 200 रुपये के लगभग बताया था, तो मेरा वो बच जाएगा, 200 भी नहीं बताया, 177 बताया था। तो ये अपडेट तो ये, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोला है मेरे को कि आप अपनी कंपनी से एक कंपनी लेटर हेड पे लिखवा के ले आइए कि आपकी जो कंपनी है उसके अंदर कैमरा वाला फ़ोन अलाउ नहीं है, तो आपके जो फ़ोन का जो EMI नंबर होता है शायद EMI नंबर है उसको लिख के दे देंगे कि इस पर्टिकुलर फ़ोन का आप कैमरा निकाल के दे दीजिए, तो वो निकाल के दे देंगे। तो मैंने बात तो की है कंपनी में, अभी देखते हैं क्या बोलते हैं। उधर से बोल रहे हैं कि हमने पहले तो ऐसा दिया नहीं है किसी को, निकाल देते हैं लोग, क्योंकि दिक्कत क्या है कि ओप्पो ये छोटे जो फ़ोन है ना, जो दूसरे ब्रांड्स हैं ये, इनका थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जो बड़ी फ़ोन है सैमसंग एप्पल वगैरह, उनमें ज़्यादा इशू नहीं आती, क्योंकि बोल रहे हैं कंपनी की हमारे और भी को बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने निकलवाए हैं लेकिन उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। बोले ठीक है मैं बात करता हूँ, अगर हो गया तो मैं आपको दे दूंगा लेटर हेड बना के। तो अभी देखते हैं, उसी का वेट कर रहा हूँ। बाकी आते हैं मेन मुद्दे पे, जो अपना टाइटल वाला है वो सीन। तो टाइटल वाला सीन तुमने ठीक ही पढ़ा है, मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, कब छोड़ रहा हूँ वो कन्फर्म नहीं बोल सकता अभी, और रीजन तुमको मालूम है ही ऑलरेडी कि मेरे फोन जब मैं जहाज पे जाऊँगा तो वहाँ पे मेरे कैमरा अलाउ नहीं होंगे, मैं वीडियो ऑडियो कुछ शूट नहीं कर सकता, तो काइंड ऑफ मैं यूट्यूब छोड़ ही रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं परमानेंट यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ टाइम के लिए वीडियोस नहीं डाल पाऊंगा, वो तुमको सिचुएशंस मालूम है, लेकिन फिर भी वीडियोस आती रहेंगी अपने चैनल पे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग हताश हो जाओ, निराश हो जाओ कि यार अब भाई का चैनल का क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा अपने चैनल का, अपने चैनल पर वीडियोज आती रहेंगी बराबर। वो कैसे आती रहेंगी, क्योंकि मैं ये वाला चैनल, मेरा जो चैनल है वो दे रहा हूँ काजल को, और जब तक मैं जहाज से नहीं आता तब तक ये चलाएगी काजल, और मैं भी शायद साहिल भी अपलोड कर सकता है कोई वीडियोस। मतलब काजल को मैं बोल रहा हूँ कि तू शूट कर दे, क्योंकि उसको एडिटिंग का और अपलोड वगैरह का ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो वो कर दिया करेगा अपना साहिल एडिटिंग वगैरह, और थोड़ी बहुत तो बता ही देगा क्योंकि वो भी घर पर है, तब तक तो कर ही देगा इतनी हेल्प। बाकी देखते हैं क्या होता है। दिवाली का एक मैंने बोला है उसका स्पेशल व्लॉग बनाने का, और मैं सोच रहा था दिवाली पे जहाज पे रहूंगा, लेकिन आई थिंक मैं नहीं रह पाऊंगा दिवाली पे, ना घर रह पाऊंगा ना जहाज पे रह पाऊंगा, तो मे बी अगर क्वारंटीन हुआ तो मैं क्वारंटीन रहूंगा, होटल में रहूंगा, बैठा रहूंगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे तो कोई बात नहीं। मैं सोच रहा हूँ एक कुछ डिफरेंट करने का इस बारी दिवाली का, तो हम सोच रहे हैं दिवाली का जो व्लॉग रहेगा वो हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ मनाएंगे। वो कैसे मनाएंगे वो भी सुनो। तो भाई जो जो भाई इंटरेस्टेड हैं मेरे ब्लॉग में आने के लिए, वो भाई अपने अपने जब भी आप दिवाली का आप पूजन करोगे, पटाखे फोड़ोगे, जो भी आपको लगेगी आपका स्पेशल मोमेंट रहा दिवाली पे, वो वाला वीडियो मेरे को बना के। लेकिन भाई जो वीडियो आज आप मेरे को भेजोगे वो
पोर्ट्रेट मोड में नहीं बनानी है। पोर्ट्रेट मोड कौन सा होता है? पोर्ट्रेट मोड होता है जैसे हम नॉर्मली जो फोटोज क्लिक करते हैं, देखो ये है पोर्ट्रेट मोड, ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे बोला है। और ये है हॉरिजॉन्टल मोड, तो और इसको लैंडस्केप मोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेरे को लैंडस्केप मोड में बना के वीडियोस भेजनी है ताकि वीडियोस प्रॉपर बने और देखने वाले को अच्छी लगे। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना जब आप मेरे को वीडियोस बना रहे होंगे या भेज रहे होंगे। मेरे को लग रहा है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हम नॉर्मली फोटोज हैं वो पोर्ट्रेट मोड में ही क्लिक करते हैं, तो सबको इशू हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा भाई ध्यान दे लेना जब आप वीडियो बनाओगे इस चीज़ के ऊपर कि वीडियो हमेशा लैंडस्केप मोड में बनानी है। जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा दिवाली के बाद, जिसमें मैं मेरी फैमिली का भी ऐड करूंगा और आप लोगों का भी ऐड करूंगा, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है ताकि आप लोग प्रिपेयर रहें। और कोई दिक्कत नहीं है ऐसा भी कि दिवाली का स्पेशल है अगर आप मेरी फैमिली मेंबर्स हो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर मेरे फैमिली मेंबर बराबर ही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी आपका कोई स्पेशल मोमेंट है तो आप उसकी वीडियो बना के दे सकते हो मेरे को और मैं वो अपने ब्लॉग में डालूंगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाकी कुछ नया नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसकी मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है वो आप समझ ही सकते हो। तो भाई सपोर्ट करते रहो, वैसे ही जल्दी ही अपना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। बस थोड़ी सी जरूरत है, थोड़ी सी हेल्प कर दो, थोड़ी दबा के शेयर किया करो, अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक है। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में, तब तक के टाइम।